हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बड़ी टेबल यानी कि लार्ज टेबल को हम गूगल डॉक्स के पेज पर प्रॉपरली कैसे पेस्ट करते हैं। यानी कि ये नहीं कि पेस्ट किया तो कुछ हिस्सा टेबल का बाहर निकल गया पेज के, या पेज पे जब टेबल हम पेस्ट कर रहे हैं तो अलाइनमेंट टेबल का ठीक से नहीं आ रहा है। जैसी टेबल आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज पर दिख रही है, एकदम वैसी ही टेबल हम गूगल डॉक्स के पेज पर पेस्ट करेंगे और बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। लेकिन ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें एक दो सेटिंग समझना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वो टेबल दिखा देता हूं जो हम यहां पर पेस्ट करने वाले हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पेज ओपन कर लेते हैं और ये वो टेबल है जिसको हम पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले वो क्या करना है, इस पूरी टेबल को देखिए सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये हमने कॉपी कर लिया। अब देखिए क्या होता है, यहां पर अगर हम इसे नॉर्मली पेस्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब कोई सेटिंग किए बिना पेस्ट करेंगे, तो ये टेबल कुछ इस प्रकार आएगी। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी मैंने दबाया, तो कुछ ऐसी दिखेगी टेबल आपको, ठीक है। अब हमें करना क्या, क्या सेटिंग चेंज करनी है, तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले में जो चेंज करना है वो है पेज का सेटअप। तो पेज का सेटअप चेंज करने के लिए हम फाइल टैब में चलेंगे। ये रहा फाइल टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। नीचे जाना है हमको पेज सेटअप पे। ये रहा पेज सेटअप, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो पेज सेटअप का ही देखिए छोटा सा विंडो यहाँ पर ओपन हो गया। यहाँ पर हमको दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पेज लेस का। ये हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद नीचे से ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पेज का जो सेटअप है वो बदल गया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी यानी कि जो हमने वहां पर टेबल कॉपी करी है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी आ रही है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें लाइनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लाइनिंग के लिए क्या करना होगा, हमें पूरी टेबल सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। ये देखिए हमने पूरी टेबल यहाँ तक लास्ट तक सेलेक्ट कर ली। उसके बाद इसको सेलेक्ट ही रहने दीजिएगा, सॉरी, इसको लास्ट तक ऐसे सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट ही रहने दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए टेबल विड्थ करके ऑप्शन आपको यहाँ पे आता है। ये रहा टेबल विड्थ, ठीक है। इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर 1 PT या जो भी जैसे भी विड्थ आपको चाहिए, जो बॉर्डर की विड्थ मतलब जो बाहर की लाइन जो होती है या बॉर्डर का जो विड्थ होता है, जैसे आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए कि मैं 1 PT यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं 1 PT पे क्लिक करूंगा, आप देखिए एकदम से ये आ चुकी है। अब यहाँ पे आप पूरी टेबल देख सकते हैं कि हमने प्रॉपरली जैसे एक्सेल में थी वैसी ही पेस्ट कर दी है, ठीक है। इसको इधर से स्क्रॉल कर सकते हैं, अगर कॉलम ज्यादा है तो यहाँ से ऊपर नीचे से इसको ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है।